कुर्बानी की खालें गरीबों, बेवाओं और यतीमों की अमानत हैं और मुल्क की एक्सपोर्ट आमदनी का एक अहम जरिया है। इन खालों को जाया होने से बचाएं। पाकिस्तान का लेदर सारी दुनिया में बेहतरीन लेदर्स में शुमार होता है। ईद के मौके पर दस्तयाब खालें क्वालिटी में बेहतरीन होने के साथ साथ वाफिर मकदार में दस्तयाब होती हैं। लिहाजा लेदर इंडस्ट्री का ज्यादातर दारोमदार इन्हीं आला क्वालिटी की खालों पर होता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये इंडस्ट्री शदीद नुकसान का शिकार है और पाकिस्तान की लेदर मार्केट चाइना और हिंदुस्तान जैसे मुमालिक के हाथों में जा रही है। 2016 में ईद कुर्बान पर तकरीबन 75 लाख खालों में से सही वक्त पर नमक ना लगने की वजह से 22 लाख खालें जाया हो गईं। पिछले 5 सालों में मुल्क को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 50% गारमेंट फैक्ट्रियां और 20% लेदर टेंडरियां बंद हो गईं और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब लोग बेरोजगार हो गए। मगर हम सब मिलकर इस नुकसान को बचा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। कुर्बानी की खाल को हरगिज किसी थैले या बोरे में ना रखें। खाल को पानी और धूप से बचाएं। खाल को फैलाकर थोड़ा सा नमक गोश्त वाली साइड पर लगा दें और इसे सायादार जगह पर रख दें। आए हम और आप मिलकर इन 3 चीजों पर अमल करके लेदर इंडस्ट्री को नुकसान से बचाएं और यतीमों बेवाओं तक उनका हक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। दिस अवेयरनेस कैंपेन इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉस्टकैंप।